स्टूडेंट, मैं आपकी टीचर प्रेरणा सक्सेना। आज हम हिंदी का पार्ट 5 इंद्रधनुष के रंग पढ़ेंगे, ठीक है ना। मैं आपको समझाऊंगी, आप अपनी बुक निकाल लीजिए, वो पढ़ते हैं। मैं पढ़ती जाऊंगी, आप लोग समझते जाइए, ठीक है ना। शुरू करते हैं। बरसात का मौसम था, विद्यालय में खेल का कालखंड चल रहा था। सभी बच्चे बाहर मैदान में खेल रहे थे, तभी उमा ने आकाश में इंद्रधनुष को देखा। वह अन्य बच्चों से बोली, देखो कितना सुंदर इंद्रधनुष है। फिर सुमन, आसमान में इंद्रधनुष कितना सुंदर लग रहा है। सबीना बोली, इसके रंग कितने सुंदर हैं। अनुराधा ने कहा, ऐसे यह कैसे बनता है। सुनील बोला, चलो नसीम हम गुरुजी के पास चलते हैं। सुनील और नसीम गुरुजी के पास गए और धीरे धीरे सभी बच्चे वहां आ गए। गुरुजी को इंद्रधनुष दिखाते हुए सभी बच्चे एक साथ बोले, गुरुजी इंद्रधनुष कैसे बनता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर आते हैं। तो माइकल ने बोला, इसमें इतने सुंदर रंग कौन भरता है। उमा बोली, इतने सारे रंग कहाँ से आते हैं। सबीना ने कहा, यह बरसात के मौसम में ही क्यों दिखाई देता है। सुमन, इतना सुंदर यह इंद्रधनुष आसमान में हमेशा क्यों नहीं बनता। गुरुजी फिर बोले, गुरुजी रुको, मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर एक एक करके दूंगा। सभी बच्चे शांत होकर बैठ गए। गुरुजी फिर बोले, वर्षा ऋतु में जब नमी बढ़ जाती है तो पानी की बारीक बारीक बूंदें वायुमंडल में तैरती रहती हैं। जब सूर्य की किरणें इन बूंदों से होकर गुजरती हैं तो प्रकाश की ये सफ़ेद किरणें थोड़ी सी मुड़ती हैं तथा 7 रंगों में विभक्त या विभाजित हो जाती हैं, 7 भागों में बढ़ जाती हैं, और इन्हीं रंगों से इंद्रधनुष बनता है। इसलिए इंद्रधनुष भी उतनी ही देर दिखाई देता है जितनी देर यह बूंदों के द्वारा प्रकाश के रंगों में बांटने की यह प्रक्रिया चलती है। इसी बीच इंद्रधनुष के रंग गहरे होते गए। देखते देखते इंद्रधनुष के रंग भी डार्क हो गए, गहरे हो गए। फिर उमा बोली, गुरु जी क्या इंद्रधनुष के इन रंगों का कोई निश्चित क्रम भी होता है। तो गुरु जी ने कहा, हाँ, इन रंगों का एक निश्चित क्रम होता है। ये रंग होते हैं बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इस क्रम में इंद्रधनुष के रंग दिखाई देते हैं। इन्हें हम बेजा नीह पी नाला सूत्र द्वारा आसानी से याद रख सकते हैं। मतलब हर रंग का पहला अक्षर ले लिया तो क्या बन गया, बेजा नीह पी ना ला, ठीक है ना। इन रंगों के पहले अक्षर को लिया गया, इसमें इन रंगों के पहले अक्षर को लिया। हर जिंदर गुरुजी कभी कभी आकाश में एक के ऊपर एक दो इंद्रधनुष भी दिखाई देते हैं। गुरुजी ने कहा, हाँ कभी कभी ऐसा होता है, बूंदों के द्वारा प्रकाश के अलग अलग दिशाओं में मुड़ने के कारण ऐसा होता है। सामान्यतः इंद्रधनुष में लाल रंग ऊपर और बैंगनी रंग नीचे होता है, जैसा कि इंद्रधनुष में दिखाई दे रहा है। किंतु यदि उनके ऊपर दूसरा इंद्रधनुष बनता है तो उनके रंगों का क्रम उल्टा होता है। इस ऊपर वाले इंद्रधनुष में बैंगनी रंग ऊपर और लाल रंग नीचे होता है। सुमन ने कहा, गुरु जी इसे इंद्रधनुष क्यों कहते हैं। गुरुजी ने उत्तर दिया, हमारी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इंद्र को वर्षा का देवता माना जाता है। वर्षा ऋतु में पानी की बूंदों के कारण इनका निर्माण होने से तथा इन धनुष के आकार का होने से इसे इंद्रधनुष कहा जाता है। अनुराधा, गुरुजी क्या यह और कभी भी दिख सकता है। गुरुजी ने कहा, हाँ, जहाँ फव्वारे चल रहे हों या ऊंचाई से गिरते जल प्रपातों में जहाँ जल की बारीक बूंदें दूर दूर तक फैल जाती हैं, वहाँ भी हम कभी कभी इंद्रधनुष को बनता देख सकते हैं। सभी ने देखा कि धीरे धीरे आसमान में इंद्रधनुष धुंधला होता जा रहा था। थोड़ी देर में उसका दिखाई देना बंद हो गया, किंतु बच्चों के मन में अभी भी इंद्रधनुषी रंग समाये हुए थे। ठीक है, ये आपका पार्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, तो इसमें नए शब्द दिए हैं, उनको मैं पढ़ती हूँ, आप लोग सुनिए और देखिएगा। वायुमंडल, हवा का घेरा जो पृथ्वी के चारों ओर है।
गुजरना माने निकलना, विभाजित होना माने बट जाना, क्रिया माने काम या कर्म, पौराणिक माने पुराणों से संबंधित प्राचीन या पुरातन, मान्यता माने किसी बात के माने जाने की क्रिया या भाव, जलप्रपात माने वह स्थान जहाँ किसी ऊंचे पहाड़ से जल स्रोत नीचे गिरता है, और इंद्रधनुष माने सात रंगों की धनुष जैसी आकृति जो वर्षा ऋतु में सूर्य की दिशा में दिखाई देती है। ठीक है, अब आते हैं अनुभव विस्तार, वार्तालाप से खोज कर लिखिए। ठीक है, आ से बा को मिलाकर सही जोड़ियां बनाइए। पहला इसमें सही जोड़ियां बनाइए, बरसात में क्या होता है, पानी गिरता है, ठीक है ना, इस पर निशान लगा लीजिए। आकाश में इंद्रधनुष बनता है, ठीक है, विद्यालय में शिक्षा दी जाती है और मैदान में खेल खेला जाता है। ठीक है, मैदान में खेल ही खेलते हैं, विद्यालय में पढ़ते ही हैं तो शिक्षा ही दी जाती, आकाश में क्या इंद्रधनुष बनता है और बरसात में पानी गिरता है। दूसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो पहला प्रश्न है खाली स्थान है, उमा ने आसमान में खाली स्थान बनते देखा, क्या बनते देखा, इंद्रधनुष, इंद्रधनुष लिख देंगे अपन इसमें। दूसरा है खाली स्थान, इंद्रधनुष में रंग होते हैं, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो अपन लिख देंगे सात। तीसरा है खाली स्थान, द्वारा प्रकाश को रंगों में बांटने की क्रिया से इंद्रधनुष बनता है, तो क्या लिखेंगे इसमें, बूंदों के द्वारा प्रकाश को रंगों में बांटने की क्रिया से इंद्रधनुष बनता है। चौथा खाली स्थान है, इंद्रधनुष के रंगों का एक निश्चित होता है, क्या होता है, निश्चित क्रम। ठीक है, अब आते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्नों पर, तो अति लघुत्तरीय प्रश्न के उत्तर वहीं लिख दिए हैं मैंने, तो आप लोग देख लीजिएगा, वैसे मैं पढ़े देती हूँ। ठीक है, पहला प्रश्न है, विद्यालय में कौन सा कालखंड चल रहा था, तो कौन सा चल रहा था, खेल का, अपन ने पढ़ा था ना पाठ अभी, तो उसमें कौन सा चल रहा है, खेल का। दूसरा प्रश्न है, सुनील और नसीम किसके पास गए, सुनील और नसीम किसके पास गए थे, गुरुजी के पास गए थे। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, बच्चों ने गुरुजी को क्या दिखाया, बच्चों ने गुरुजी को क्या दिखाया था, इंद्रधनुष दिखाया था। चौथा प्रश्न है, इन धनुष में कौन कौन से रंग होते हैं, तो इंद्रधनुष में बैंगनी जामुनी नीला हरा पीला नारंगी और लाल रंग होते हैं। ठीक है, अब इसके साथ ही अगले दिए लघु उत्तरीय प्रश्न, तो इन प्रश्नों के उत्तर मैंने आगे की उसमें डाल दिए हैं, वो वहाँ बताऊँगी मैं आपको पढ़ के भी, इसलिए अब आगे चलते हैं भाषा ज्ञान पर। तो भाषा ज्ञान में जो दिए हैं इसमें लिखे हुए हैं क्या है कि शब्द, मूल शब्द और नए शब्द, और जो शब्द दिए हैं उनसे जोड़कर सत और जन, तो बराबर क्या हो जाएगा, सज्जन, सत कर्म, तो सत कर्म हो जाएगा। इस तरह से ये पूरे बने हुए हैं पीछे तक के, तो आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं जो शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके मूल अर्थ को बदल देता है उससे क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं, प्रश्न ऐसा बनेगा, तो जो शब्द के प्रारंभ में ना पहले ही जुड़ जाता है, जुड़ता है, जुड़कर अब उसके मूल अर्थ को बदल देता है उसे उपसर्ग कहते हैं। ये तो उपसर्ग की परिभाषा हो गई, अब इसमें निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग दिए तो अपन को छांटना है कि कौन से उपसर्ग हैं। तो जो मैंने शब्द के नीचे ही पेंसिल से अंडरलाइन कर दिए, तो वो क्या, एक तरफ लिख लेंगे शब्द और एक तरफ लिख लेंगे उपसर्ग, तो आचार लिखेंगे एक तरफ शब्द में, और उपसर्ग आचार में जो उपसर्ग है वो क्या है, बड़ा आ, तो अपन आ उपसर्ग में लिख देंगे। इस तरह से आ आचार में आ उपसर्ग है, अविश्वास में छोटा आ है, पराजित में परा है, अधपका में अध है, अनुसार में अनु है, निराधार में निरा है, और प्रकार में प्रा है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर दो है, उपसर्ग उपसर्ग को जोड़कर शब्द बनाइए, ये दिए ना शब्द तो बनाना है उप से जोड़कर, तो उपयोग उपनाम उपमान उपकार और उपहार। ठीक है, इस तरह से अपने बन जाते हैं। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, तो इसमें जो दिया है वो आप पढ़ लीजिएगा, बाकी इसको याद करने की वैसी कोई बात नहीं है। अगले नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, जो प्रश्न उत्तर अपने छूटे हुए थे उनको मैंने यहाँ लिख दिए हैं। तो प्रश्न नंबर एक है, इंद्रधनुष किसे कहते हैं, तो उत्तर लिखा है, वर्षा ऋतु में आकाश में जो रंगीन धनुष जैसी आकृति दिखाई देती है उसे इंद्रधनुष कहते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, इंद्रधनुष को इंद्रधनुष क्यों कहते हैं, तो इंद्रधनुष उत्तर लिखेंगे, इंद्रधनुष
इंद्र को वर्षा का देवता माना जाता है। वर्षा ऋतु में पानी की बूंदों के कारण इनका निर्माण होने से तथा धनुष के आकार का होने से इसे इंद्रधनुष कहते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट प्रश्न है, फब्बारे से इंद्रधनुष कैसे बनता है। तो इसमें अपन ने अभी पढ़ा था सबसे लास्ट वाला पैराग्राफ, उसी से मैंने आंसर बना दिया। फब्बारे के जल की बारीक बूंदें दूर दूर तक फैल जाती हैं। बूंदों के द्वारा प्रकाश के अलग अलग दिशाओं में मुड़ने के कारण इंद्रधनुष बनता है। ठीक है, तो बच्चों आज ही अपना चैप्टर कंप्लीट होता है, 5 पार्ट हिंदी का इंद्रधनुष के रंग, इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। बाकी अगली कक्षा में मिलेंगे, तब फिर मैं अगला चैप्टर पढ़ाऊंगी आपको। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।